हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ हेयर से रिलेटेड ही। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सबसे पहले मैंने हेयर ऑयल आपके साथ प्रिपेयर किया था, जो कि मेथी हेयर ऑयल था। देन उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से आप मेथी का जो हेयर मास्क है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हेयर ऑयल लगाना है, देन उसके साथ साथ वीक में एक बार मेथी का जो मास्क है वो अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मेथी का जो पानी है, मेथी को जो भिगो के रात पर हमने रखा था, तो वो पानी मैंने बोला था कि आपने फेंकना नहीं है, वो भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसी के बारे में आप आज मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर अभी आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक आईलाइनर अप्लाई किया हुआ है और ये लिपस्टिक अप्लाई की, ये भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इट्स वेरी गुड। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो वो जो वो मेथी का पानी था, उसको मैंने इस तरह से एक स्प्रे बॉटल में रख लिया है और इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपके पास इस तरह की स्प्रे बॉटल नहीं है, तो ये मार्केट में इजीली मिल जाती है 20-30 रुपीस में, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है, कटोरी लेनी है, कटोरी के अंदर वो जो मेथी का पानी था वो डालें, और एक कॉटन की हेल्प से, ठीक है, कॉटन की हेल्प से अपने रूट्स में अप्लाई करते चले, डिवाइड करते हुए रूट्स में अप्लाई करते चलना है आपने, ठीक है। तो यही था, मैंने ये बोतल में डाल लिया है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, जब भी एक दिन छोड़ के एक दिन आप ये कर सकते हैं, नॉर्मली आपको ये इस तरह से अप्लाई करना है अपने हेयर्स में, रूट्स में अप्लाई करना है आपने अच्छे से। आप चाहें तो जब आप शैम्पू कर रहे होते हैं उसके बाद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने इस तरह से पूरे हेयर्स में अच्छे से अप्लाई कर लेना है। कैसे हम ऑयल करते हैं, सेम वैसे ही आपने इसको भी अप्लाई कर लेना है। सेम वैसे ही आपने इसने पूरे में अप्लाई कर लेना है, ओके। दूसरा, आप इसको लेंथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने हेयर की लेंथ में भी आपने इसको अप्लाई करना है। अगर आपके बाल आपको लग रहा है बहुत ड्राई और फ्रीजी से हो गए हैं, अनमैनेजेबल हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये लेना है, ठीक है। उसके साथ आपको लेना है बादाम ऑयल, ये देखिए ये बादाम ऑयल लेना है। तो आपने क्या करना है, पहले ज़्यादा नहीं लेना बादाम ऑयल, बस इस तरह से अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग 2 or 3 ड्रॉप्स, दैट्स इट, इतना ही लेना है। देन आपने लेना है ये पानी और इसको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है आपने, ठीक है। देखिए इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करते हुए और अपने हैंड्स पे इस तरह से रब करना है और अपने लेंथ पे। बिल्कुल आपने अच्छे से अप्लाई करना है और ये इतना अच्छा है, जो कि जो सीरम मैं यूज़ करती हूँ, मैं अभी दिखाऊंगी आपको, तो सेम वैसा ही ये वर्क करता है। जैसे मैं सीरम जो यूज़ करती हूँ उससे बाल बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये भी वर्क कर रहा है। तो मार्केट की चीज़ है, तो ऑब्वियसली उसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स तो डाले ही रहते हैं, बट दिस इज़ विदाउट केमिकल। और अगर आपके हेयर जो है ऑलरेडी ऑयली है, तो आप नॉर्मल वाटर लेके अपने हैंड्स पे और उसको भी इस तरह से अपने हेयर्स अप्लाई कर सकते हैं।
और ये आपको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको नॉर्मल एयर में ड्राई होने दें और आप देखें कि आपके बाल इतने अच्छे और मैनेजेबल लगेंगे आपको। एंड देन और एक अलग ही हेयर में अच्छी सी शाइन देती है। ये देखिए रिजल्ट्स बिल्कुल आपके सामने हैं। थोड़ी देर ड्राई हो जाएगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ड्राई होने के बाद तो ये हेयर जो है और ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाएगी। तो ये था, तो ठीक है, इससे आपके बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप सिर्फ वाटर इसी को ही हेयर्स में इस तरह से स्प्रे करते हुए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं और इसको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इसको ऐसे ही रहने दें, ड्राई होने दें, कोई स्मेल नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि हमें स्मेल आ रही है या फिर इचिंग हो रही है, ऐसी सिचुएशन अगर हो जाती है तो आप क्या करें, जब भी आप शैम्पू करते हैं ना, तो उसके बाद ये जो मेथी का पानी है इसको हेयर को इसे एक लास्ट में शैम्पू करने के बाद उसे वॉश कर ले और उसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए होने दें। और जब आपकी बाथिंग हो जाए तो उसके बाद उसको नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, बट इन केस अगर हो जाती है तो ये था। सेकंड आप क्या कर सकते हैं कि ये आपको लेना है। दूसरा देखिए, ये विटामिन ई की कैप्सूल है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, देखिए, ठीक है। ये हैं, ये भी हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आपने क्या करना है, एक विटामिन ई का कैप्सूल निकालना है और उसको सुई से इसमें होल करना है। और 2 ड्रॉप, अगर बादाम ऑयल नहीं लेना चाहते तो आप ये वाला भी ले सकते हैं, ये भी हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। 2 ड्रॉप इसके डाल के मिक्स करके और हेयर्स पे लगा सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे आपके हेयर और आपको रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा अगर आप इसको रेगुलर, बट उसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसमें मैंने हेयर ऑयल और हेयर मास्क भी बताया है आपको, तो प्लीज़ उसको चेक जरूर करें अगर आपने नहीं चेक किया है तो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।